तो हेलो बच्चों, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अपना टिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर टू। ठीक है, टिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर वन में आप लोगों ने सीखा था कन्वर्जन। क्या सीखा था? डिग्री टू रेडियन टू और क्या सीखा था? टाइम वाला है ना, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे अच्छे से निकालना। चलो गुड, आगे देखते हैं आप। और आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि आज हम नहीं करेंगे ज्यादा काम, कम रखेंगे आज का काम। ठीक है, क्योंकि अभी देखो आप लोगों की स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में कम कम काम होना चाहिए। काम कम कम करो, अच्छा करो, मजबूत करो, स्ट्रांग करो। रटने वाला खेल नहीं होना चाहिए, रटने वाला खेल नहीं। और वीडियो को प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आज का काम है रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। इसके अंदर एक एल है, एक आर है और एक थीटा है। तीन चीजें आपको इसके अंदर दिख रही है। एक क्या दिख रहा है? एल, एक आर और एक थीटा। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पर। ये देखो, ये एक सर्कल है। ओके, ये सेंटर है इसका, ये आपकी रेडियस है आर, ये भी आपकी रेडियस है आर, इसे कहेंगे हम थीटा। और ये जो लेंथ है ना, ये है माइनर आर्क ऑफ लेंथ बोलते हैं इसे, माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। तो देखो इस सर्कल के अंदर एक ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसकी डायमेंशन आपको मैंने दे दी कि ये रेडियस है, ये थीटा है और ये माइनर आर्क है। तो इसके अंदर हो गई तीन चीजें, एक आर, एक एल और एक थीटा। ठीक है, इनके बीच में बेटा रिलेशन होता है। ये रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर आर डिवाइड में ले आओ एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा, या फिर थीटा डिवाइड में ले आओ एल अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर। तो देखो आपके सामने तीन रिलेशन आ गए, मोटे मोटे तीन रिलेशन आ गए। तो रिलेशन तीन याद रखोगे या एक याद रखोगे? एक। कौन सा रखोगे? एल इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर ऐसे बोल दो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। भाई आया तो यहीं से है, आया तो यहीं से है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, ये टॉपिक फिजिक्स वाले बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, फिजिक्स में स्टार्टिंग में आ जाता है ये। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। देखो एल क्या होता है? एल आपका माइनर आर्क होता है, माइनर आर्क। ठीक है, या इसे आर्क ऑफ लेंथ बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, माइनर आर्क ऑफ लेंथ। आर क्या होता है बेटा? आर इसके अंदर रेडियस होती है। आर क्या होता है बच्चों? और थीटा, देखो मैथमेटिक्स के अंदर थीटा जो होगा ना एंगल, वो यहाँ पर रेडियन में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थीटा यहाँ पर रेडियन में होगा। आई वॉन्ट टू हियर, थीटा यहाँ पर रेडियन में होगा, थीटा यहाँ पर रेडियन में होगा। हाँ, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। देखो जो बच्चे ऑफलाइन है इनका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। ऑफलाइन वाला बच्चा मेरे से जुड़ के रहे एकदम, ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी जुड़ के रहा करो सारे लोग, क्योंकि आप और हम जब पार्टिसिपेट करेंगे तब अच्छे से समझ में आता है। ऑलराइट, तो देखो ये तुम्हारा रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर थीटा, या एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा, या एल अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें तीन चीजें हैं, तीन में से कोई से भी दो चीजें आपको बता देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा। आई रिपीट, तीन में से कोई से भी दो चीजें सुहानी बता देगा और एक चीज पूछ लेगा। ठीक है प्रतीक, प्रणव, जतिन, ठीक है, तो ये बातें याद रखें। थीटा यहां पर रेडियन में होगा, इस बात को याद रखें। अगर आपको थीटा यहां डिग्री में दिया हुआ है तो आप उसे रेडियन में बना लें। अगर आपको थीटा रेडियन में दिया, डिग्री में दिया हुआ है, तो आप उसे रेडियन में बना लें। याद है ना, रेडियन में बनाना है, पाई बाय बटी लगाना है। रटने वाला कोई खेल नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हो। जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एक वीडियो इससे पहले और बन चुकी है। ऑलराइट, और प्लीज दोस्तों के साथ इसको शेयर करें भाई, कर दोगे? यस सर। गुड, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आ गया बच्चों, देखो आपके सामने न्यूमेरिकल ये बोलता है फाइंड डिग्री मेजर। अच्छा जी, डिग्री मेजर मतलब आंसर मुझे डिग्री में देना है, आंसर मुझे डिग्री में। ठीक है, एंगल का, ठीक है जी, एंगल का ही निकलता है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। ठीक है, देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे सबटेंड। सबटेंड माने होता है बेटा बनना, क्रिएट होना,
कंस्ट्रक्ट होना, बन जाना, ठीक है, सबटेंड माने बनना, तो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, उसका आंसर मुझे बताओ लेकिन डिग्री में बताओ। आगे देखते हैं जानकारी, रेडियस दे रखी है 100 और राइट, आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है 22, ये माइनर आर्क है, ये एल है। सवाल में से डेटा को निकालना सीख जाओ, क्वेश्चन में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना सीख जाओ, ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए आधा आसान हो जाता है। डेटा निकालना और फॉर्मूले याद होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो, ओके। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना तो सब कुछ अधूरा है, ठीक है बच्चों, इलेवेंथ क्लास में हो, पहली बार इलेवेंथ में आए हो अभी तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे मजे आएंगे, ओके। चलो पहली बार ही आते हैं सब इलेवेंथ में, दूसरी बार थोड़ी आते हैं, लेकिन हाँ किसी किसी का मन होता है कि ना मैं इलेवन दो बार करूंगा, आप एक ही बार में, ठीक है, निकल जाना एकदम बढ़िया टॉप करके। तो जतिन भाई पहले बनाएंगे हम डायग्राम, ये बना लिया मैंने जी डायग्राम, सर्कल ले लिया, सेंटर हो गया, रेडियस आर हो गई, रेडियस आर हो गई, थीटा हो गया, और इसे मैं एल बोलूंगा, जिसे मैं माइनर आर्क या आर्क ऑफ लेंथ बोलता हूं, आर्क ऑफ लेंथ समथिंग। अब लिख दीजिए डेटा, रेडियस मेरे पास 100 है, बहुत अच्छी बात है जी, एल मेरे पास 22 है, ये तो और भी अच्छी बात है, थीटा मेरे को नहीं पता, तो रिलेशन आई नो एल इज इक्वल टू आर थीटा, दैट आई नो, या एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा, है ना, फिजिक्स वाले सर बताते हैं एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा, दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। चलो जी एल रख देता हूं, एल मेरे पास 22 है, आर कितना है बेटा 100, थीटा आई डोंट नो, थीटा आई डोंट नो, निकालते हैं, अपॉन में आएगा 22 बाय 100, मिनिमम फॉर्म में लेके आओ 11 बाय 50 इज इक्वल टू थीटा, बेटा ये जो आंसर है ना ये आपका, ये जो आपका आंसर है ये रेडियन में आया है, किसमें आया है, रेडियन में, क्योंकि अभी जब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था तो मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि थीटा यहाँ पे रेडियन में होता है, थीटा यहाँ पर रेडियन, ये रेडियन में, तो क्या आंसर यही छोड़ दू या कुछ और डिमांड है क्वेश्चन की, डिग्री में चाहिए, क्या चाहिए, डिग्री में, तो भाई आपको तो ये बात आती है, मेरा आंसर आ गया 11 बाय कितना 50 है ना, और मुझे यहाँ पे चाहिए रेडियन मेजर, तो याद है कि क्या करते थे, बोलो बेटा 11 बाय 50 को क्या करूंगा पाई बाय 180, ओके, काटा पीटी कर दे जरा, सॉल्व कर दोगे, पाई बाय 180 गलत कर दिया हमने, 180 बाय पाई, 180 बाय पाई आएगा, और इधर क्या आएगा बेटा, इधर आएगा आपका डिग्री मेजर, ठीक है, चलो इधर लिख दीजिए डिग्री मेजर। अब हो गया सवाल, हो जाएगा या बता दू पूरा, कर दोगे कमेंट करोगे अपना आंसर, पाई की पहले डाल देना वैल्यू 11 बाय 50, ये कितना रहेगा 180, पाई की वैल्यू 22, ऊपर जाएगा 7, 7 ऊपर कैसे चला गया बच्चों, डिवाइड में था ऊपर चला गया, ठीक है, कटा पीटी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, पक्की बात है, yes, तो भाई इसके लिए दो कोड है CYS और CYA, इसका मतलब है कंप्लीट योर सेल्फ, ये लेक्चर लास्ट वाली लेक्चर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि आपको आता है, ठीक है, कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्त, देखो जरा ये बोल रहा है इन अ सर्कल, अच्छा सर्कल की हो रही है बात, डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 40, बच्चों डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस 20, बिल्कुल सही बात, और कॉर्ड दे रखी है, कॉर्ड बोलेंगे चौड़ बोलेंगे, कॉर्ड कॉर्ड, ठीक है, तो कॉर्ड बोल रखा है 20, ठीक है जी, कॉर्ड भी दे रखी है हमें यहाँ पर, लेकिन एक स्कूल के बच्चे हैं वो उसे कुछ और ही बोलते हैं, नाम नहीं बताऊंगा स्कूल का, ठीक है, कॉर्ड है ये, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमें निकालनी है, तो ऑल राइट पहले बनाएंगे हम इसके अंदर डायग्राम, उज्ज्वल सर्कल बन गया दोस्त, ये रेडियस आर, आर ये आपका थीटा हो गया, और ये आर्क ऑफ लेंथ या माइनर आर्क बोल सकते हैं, आर कितना है बच्चों, आर आर 20 लिख देता हूं, और कॉर्ड दे रखी है, देखो इसे कहूंगा मैं कॉर्ड, ये बन गया मेरा, ये आपका 20 है, ये भी 20 है, ये भी आपका 20 है, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, इसका नाम ओ रख दो, इसका नाम रख दो बी,
अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया बेटा, देखो ये ट्रायंगल नहीं बन गया, और अगर ध्यान से देखो तो ये इक्विलेटरल नहीं बन गया, और ध्यान से अगर सोचो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल एंगल यहां पर इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्टली, तो इस तरह से आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। चलो जी, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एल मुझे निकालना है, और मैं यहां पे लिखूंगा थीटा मेरा कितना होगा 60 डिग्री। मैं इसको ऐसे बोल दू 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि एल इज इक्वल टू आर थीटा, में थीटा जो होगा वो हमेशा रेडियन में होगा, और रेडियन अगर बनाना है तो पाई बाय 180 और डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई। काटे पीटी होगी तो मेरे ख्याल से पाई बाय 3 आ गया। yes. बोलो yes, आओ और मुझे काट दिया, तो एल आ गया, नहीं थीटा आ गया, एल निकालना है। अच्छा यहाँ पे तुम तो बच्चों रीजन भी दे देना, यहाँ पे देखो रीजन भी दे देना, ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो मैथ्स में ना हर चीज का रीजन देना बड़ा जरूरी है, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। टीचर इस बात को पूछ लेते हैं स्कूल में, तो प्लीज रीजन देना। चलिए जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल नहीं पता, आर कितना बेटा आर, बी इज थीटा कितना है थीटा, पाई बाय 3, काटा पीटी नहीं हो सकती, हो तो सकती है लेकिन डेसिमल में जाएगी, बट हम डेसिमल में नहीं निकालेंगे यार, हमें इतने भी पूरे नंबर मिलेंगे तो हम पूरा सॉल्व क्यों करें, और जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज द आंसर, ओके। ज्यादा ही अगर दिल में गड़बड़ाहट हो रही है तो चलो पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, बट कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन, हो जाएगा। yes, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना, यहाँ पर जो कॉर्ड दे रखी है इसका ये इस्तेमाल था कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, इसका यही इस्तेमाल था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है दो सर्कल हैं। अच्छा जी, दो सर्कल हैं, एक बच्चा पता है क्या बोल रहा, किरकिल्ली बोल रहा, दो किरकिल्ली है, किरकिल्ली नहीं है भाई, सर्कल है, क्या है स्कूल का नाम नहीं, मैं देखो स्कूल का नाम नहीं, ठीक है, यूनिवर्सिटी से था वो बच्चा, यूनिवर्सिटी स्कूल का नाम नहीं लेना प्लीज। तो देखो यहाँ पर दो सर्कल है, सुनना ध्यान से, इसने बेटा ये बोला है आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब माइनर आर्क के अंदर सेम है, माइनर आर्क की जो लेंथ है एल जो है दोनों के अंदर सेम है। आगे एक के अंदर एंगल बनता है 60 डिग्री का, एक के अंदर बनता है 75 डिग्री का, ऑलराइट। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर अजीबोगरीब आ जाए, सबसे पहले आप बनाओ उसका डायग्राम और आराम से सोचो डेटा को निकालकर, डेटा को निकालकर फॉर्मूला सोचो कौन सा लगेगा, बड़े आराम से चीजें समझ में आएंगी। देखो ना करने वाले के लिए सब कुछ मुश्किल है, और करने वाले के लिए सब कुछ आसान, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, कर दोगे ना दोस्त। इधर देखो बेटा, तो देखो ये रेडियस हो गई, इसे बोल देता हूँ आर वन, और ये भी हो गई तुम्हारी रेडियस, इसे बोल देता हूँ आउट आर टू, और इसे भी बोल देता हूँ आउट टू। ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 75 डिग्री है बेटा, इसे मुझे एल वन बोलना है कि मैं एल ही बोलूं, मैंने इसे एल वन एल टू का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि सेम है, सवाल में लिखा हुआ है भाई आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क ऑफ, इसलिए मैंने एल वन एल टू का नाम नहीं दिया। अब मुझे इनकी रेशियो निकालनी है, आर वन और आर टू की रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ एल इज इक्वल टू आर वन थीटा वन, यहाँ लिखता हूँ एल इज इक्वल टू आर टू थीटा टू, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे तो यही फॉर्मूला याद है, मुझे तो यही फॉर्मूला याद है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, है ना, इसके इसके अंदर ऐसा लगेगा, इसके अंदर ऐसा। अच्छा जी, एल ऐसे रहने दो, आर वन मुझे नहीं पता, थीटा वन 60 डिग्री है, तो क्या डिग्री में रखूंगे, रेडियन बनाऊं, कुछ मत करो, पाई बाय 180 लगा दो बस फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि इसे बेचारे को अभी कटना तो है ही, ठीक है, तो इसे बेचारे को कटना है, तो इसे ऐसे ही रखो बस फॉर्मेलिटी के लिए। क्यों लगाया, क्योंकि देखो डिग्री है, ये लगाने से पूरा रेडियन काउंट हो रहा है अभी, तो बस ऐसे लगा दो। यहां पर भी आ जाओ, आर टू हमें नहीं पता, थीटा हमारा 75 डिग्री है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए पाई बाय 180 लगा दो, क्यों लगा दो, ताकि ये रेडियन में काउंट हो जाए, अब ये रेडियन माना जाएगा, है ना, ऐसी रखो।
होने को काटा पीटी हो सकती है लेकिन मत करो, फायदा होगा। क्या फायदा होगा अभी देखो, ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू। बेटा आपको निकालनी है रेशो, बच्चे क्या निकालनी है आपको रेशो। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन वन को डिवाइड कर दो इक्वेशन टू से, इक्वेशन वन को डिवाइड कर दो इक्वेशन टू से। तो भाई लेफ्ट साइड के अपॉन में लेफ्ट साइड आएगी, और इधर देखो भाई राइट साइड के अपॉन में राइट साइड आएगी। राइट साइड जैसी है वैसे की वैसे लिख दो, हालांकि यहाँ पर काटा पीटी हो सकती थी लेकिन मत काटो भाई, ऑटोमेटिक खुद ब खुद कट जाएगा, इंतजार करो ठीक है टाइम पर। जतिन बहुत ध्यान लगाता है तुम इन चीजों में, आज आपका होमवर्क होगा बेटा चेक जतिन, और घर पर रिपोर्ट जाएगी। इधर देखो देखो बेटा एल से एल खत्म, आर वन ऐसी रहा आर टू ऐसी रहा, यहाँ देखो ये बोल रहा है कट कट कट, 15 से इसे 15 फोरजा 15 फोरजा 15 फाइवजा आया। हमें निकालनी है रेशो, यार ये चीज मल्टीप्लाई में इसे मैं इधर ले आऊं। देखो जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो ये डिवाइड में जाएगा ना, वन के अपॉन में जाएगा 5/4 या 4/5 जाएगा, लेकिन वो रेसिप्रोकल हो गया ना, उल्टा हो जाएगा ऐसे 5/4। बोलो बच्चा लोग बात सही है कि नहीं है? यस सर। मुबारक हो जी, रेशो आ गई आपकी जो इसने पूछा था, आर वन रेशो आर टू इज इक्वल टू कितना 5:4। इस टाइप का एक सवाल एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। नहीं आया? यस सर। अरे डरा दोगे भाई, कर दोगे ना। क्या तरीका था? सबसे पहले डायग्राम बना लो, डेटा को निकाल लो, डेटा को निकालने के बाद ये सोचो कि ये डेटा किस फॉर्मूले से रिलेट करता है, वो फॉर्मूला लगाओ सेपरेटली, उसके बाद अपने हिसाब से सॉल्व कर दो ठीक है। काटा पीटी मत करो क्योंकि एंड में जाके वो पूरा पूरा नंबर कट जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, ये बोल रहा है फाइंड एंगल इन रेडियन। अच्छा जी एंगल निकालना है रेडियन में, ये तो अच्छी बात है। देखो डिग्री में अगर हमसे एंगल पूछता है तो काम ज्यादा करना पड़ता है, और रेडियन में पूछता है तो कम करना पड़ता है, क्योंकि डिग्री में वो स्पेशल डिवीजन आ जाती है, स्पेशल डिवीजन आ जाती है। ये बोल रहा है विच थ्रू विच अ पेंडुलम, पेंडुलम सुना है बच्चों कभी साइंस में? ऐसे 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 करके होता है ना ठीक है, पेन गिरना जाए है? तो ये रहा तुम्हारा एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स ऑलराइट और लेंथ इज 75। मतलब एक पेंडुलम है देखो कुछ इस टाइप से, यहाँ पर कोई पेंडुलम यहाँ पर फिक्स है, और देखो ये इसका लट्टू वाला होता है, और देखो ये स्विंग कर रहा है, लट्टू लगा होता है ना इसमें कुछ बॉल टाइप की, लट्टू लगा हुआ है इसमें, और ये ऐसे ऐसे करके हिप्नोटाइज हो जाओगे तुम ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो ये जो लेंथ है बेटा ये 75 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों देखो ये टिप दे रखी है इसकी टिप, ये ना ये चीज जो है, ये चीज जो है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। You need to find this angle. NCERT में ऐसे चार सवाल हैं, एक सवाल के चार पार्ट हैं। मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया आपको समझाने के लिए, बाकी आप करो, कर लोगे ना? बताओ जी फॉर्मूला बताओ। L is equal to R theta. L कितना है 10, R कितना है 75 theta. नहीं पता 10/75, ये किसकी वैल्यू आ गई theta की। मिनिमम फॉर्म में लाओ सवाल को, मिनिमम फॉर्म में लेके आना होता है, काट दो 5 से 5 2 जा, और ये कितना आ गया 15। बस भाई यही मेरा आंसर है, खत्म सवाल। ये सी क्यों लगाया? ना लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, ना लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है, लेकिन तुम लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है। तो दिस वॉज द न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो ये एक न्यूमेरिकल है, क्या कहता है? बोलता है व्हील। अच्छा व्हील है, व्हील बच्चों रेक्टेंगुलर होता है कि स्क्वायर होता है? स्क्वायर। वो कह रहा है रेक्टेंगुलर। कैसा होता है? सर्कल होता है ठीक है। व्हील रेक्टेंगुलर होता है, कैसा होता है व्हील बताओ? कहा ध्यान है? बोल रहा है स्क्वायर होता है, तो व्हील सर्कल होता है, व्हील सर्कुलर होता है ना, गोल मतलब राउंड सर्कल के शेप में, जैसे मोटरसाइकिल का पहिया हो गया ठीक है। तो देखो जरा सुनना ध्यान से बच्चों, देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, क्यों आ जाएगा आपको समझ में। तो देखो ये आपका कोई व्हील है ठीक है जी, बोल रहा है कि ये व्हील ना 360
रिवोल्यूशन बनाता है वन मिनट में। अच्छा मतलब आरपीएम है इसके, आरपीएम समझते हो, पंखे के अंदर मोटर होती है ना आरपीएम, जो भी चीज घूमती है उसके अंदर मोटर होती है सर्कुलर, है ना, आरपीएम रोटेशन पर मिनट। तो मतलब एक मिनट में 360 चक्कर काट देता है। जितना ज्यादा आरपीएम होगा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मोटरसाइकिल की गियर डालते हो आप स्कूटी में, जैसे जैसे रेस बढ़ाते हो स्कूटी आगे भागती जाती है। क्यों भागती जाती है? आरपीएम बढ़ता चला जाता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन है। देखो इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन है कि पूछा क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन। भाई एक तो आंसर ना रेडियन में पूछ रहा है, ये आंसर रेडियन में पूछ रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन वन सेकेंड। ओहो, सवाल में जो डेटा हमें दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है कि एक मिनट में 360 रिवोल्यूशन बनते हैं, और पूछ क्या रहा है एक सेकेंड में कितने टर्न होंगे, मतलब वही रिवोल्यूशन, लेकिन वो आंसर हमें रेडियन में देना है। पहले बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? समझाओ जरा फिर क्या क्या पूछना चाह रहे हैं सवाल। तो एक बोलो, प्रिया बोलेगी। हाँ प्रिया सर, मतलब सॉल्यूशन नहीं तरीका भाई, क्या पूछा है इसने हमसे? सर इसने पूछा कि एक सेकंड में कितना रेडियन का, कितना रेडियन टर्न होगा एक सेकंड में, कितना रेडियन। वैभव आप बताओ क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि अगर एक मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है तो एक सेकंड में कितने रेडियन टर्न करेगा। ये बात है। कुछ बच्चों को भाई साहब सवाल का मतलब ही समझ नहीं आता। क्वेश्चन को समझना आधा टास्क होता है, समझ रहे हो ना? तो ये इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। देखो भाई ऐसे देखो, इधर सॉल्यूशन होगा। देखो बच्चों नंबर ऑफ, इधर देखो बेटा, रिवोल्यूशंस मेड, थ्योरी थ्योरी में हो जाएगा ये, बाय व्हील इन वन मिनट इज इक्वल टू 360। बेटा कोई नई बात लिखी है या सवाल से उठा के लिखी है? आगे देखते रहना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 60 सेकंड। बात एक ही है या अलग बात है? एक ही बात है ना, एक ही बात हो गई बोलना, ठीक है जी। यहां तक भी हो गई, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड अपॉन में आ जाएगा, 360 के अपॉन में आ जाएगा ना 60, तो आएगा 6। इसका मतलब पता लग गया कि एक सेकंड में 6 राउंड आएंगे, एक सेकंड में 6। एक बात पूरी होगी राउंड वाली, अब इसकी बात करो रेडियन की। अब किसकी बात करो? रेडियन की। यार एक बात बताओ, जब एक राउंड पूरा होता है तो कितने का एंगल बनता है? 360 डिग्री। एक राउंड मतलब 360 डिग्री। इसको रेडियन में क्या बोलेंगे? 2 पाई। क्यों बोलेंगे? पाई कितना होता है? 180 डिग्री। लास्ट लेक्चर यार, पाई कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 पाई 360। ओके वन मोर टाइम, एक राउंड 360 डिग्री, रेडियन बोलो। एक राउंड 2 पाई, 2 राउंड 4 पाई, 3 राउंड 6 पाई, 6 राउंड 12 पाई। आगे आंसर खत्म सवाल। नहीं समझे? लेकिन देखो लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, ठीक है। एंगल इन रेडियन इन वन टर्न या रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, यही तो होगा बेटा। अरे जब एक टर्न होगा या एक रिवोल्यूशन होगा फुल टर्न, तो 2 पाई का होगा। तो एंगल इन रेडियन इन टर्न हमारे बन कितने रहे थे टोटल? 6। तो 6 के अंदर बताओ जी, 6 into 2 पाई। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। आगे समझ? Yes, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसे देख लेना। इसका एक तरीका और भी होता है लेकिन ये ज्यादा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखें, आगे आने वाली है बहुत अच्छी चीज जो आपके लिए और मेरे लिए, ये रहे। अब बिग थैंक यू। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी है, ठीक है, देख लेना यार प्लीज, देख लो भाई कुछ हो जाए तो, ठीक है। आप लोग भी। इसके बाद देखो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। लास्ट क्लास में आपको लिमिटेड होमवर्क मिला था, 3.1 के अंदर आपको एक तो फर्स्ट मिला होगा और एक सेकंड मिला होगा। आज आपको सारा होमवर्क मिल चुका है, ठीक है। इसके साथ में 2 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ओके, एक तो 3:45 AM का एंगल निकालना है आपको, आवर हैंड और मिनट हैंड में, ठीक है। ये तो
अभी निकाल लो आप आउटलाइन वाले बच्चे, तो अभी निकाल लो। और एक आपको 12 और 05 पीएम का एंगल निकालना है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं प्लीज इनको सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।